बिजनौर में देर रात जब एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र और पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी बिना फोर्स के सड़क पर शहर के हालात का जायजा लेने निकले तो लोग आईपीएस अधिकारियों को बिना लाभ लश्कर के पैदल भ्रमण करते देख हैरानी में पड़ गए। पैदल दौरे के दौरान एडीजी ने आम जनता से सीधे बात की और सुझाव भी मांगे। इस दौरान एडीजी ने पुलिस कंट्रोल रूम कोतवाली थाने का निरीक्षण भी किया और बिजनौर पुलिस और पुलिस मित्रों के कार्यों की भी सराहना की। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है और ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होता है यहाँ पर, उसमें आप पुलिस का सहयोग तन मन से करते हैं। आपने जो भी सहयोग किया है उसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से, बिजनौर पुलिस की तरफ से आपका हृदय का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो दाहिनी तरफ पुलिसकर्मी, हमारे सहयोगी लोग खड़े हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और जितने भी तीज त्यौहार बिजनौर में हुए, मुहर्रम से लेकर के ईद, बकरीद, होली, दशहरा, दिवाली, चेहलुम, अभी जो जजमेंट आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, सब में इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज बिजनौर जनपद मेरा आकस्मिक आगमन हुआ। यहाँ पे पुलिस ऑफिस का मैंने इंस्पेक्शन किया, थाने का इंस्पेक्शन किया और यहाँ के जो पुलिस मित्र बनाए गए उनसे इंटरेक्ट किया, पुलिस कर्मियों से इंटरेक्ट किया, पैदल गश्त किया गया। तो सारी चीज़ों में और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। काम बहुत अच्छा हो रहा है, बिजनौर पुलिस कर रही है, लेकिन और कैसे इफ़िशेंट तरीके से काम करें, कैसे इसको ऑटोमेटाइज करें जिससे हमारा और बेहतर पारदर्शी और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था हम दे सके लोगों को, उसके लिए बहुत सारे निर्देश मैंने दिए हैं, उसका कंप्लायंस ये कराया जाएगा। अपलेखों के रखरखाव के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और जनता का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि सारे तीज त्यौहार में और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय आया था उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में यहाँ के सभी सम्मानित नागरिकों का अभूतपूर्व सहयोग मिला है पुलिस को, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ हर थाने पर जो पुलिस मित्र बनाए हैं एसपी साहब ने, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, उनको ही मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ।